फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज़ किचन एंड ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी रेसिपी है वो है गाजर, मूली और हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार, जो कि सर्दियों में स्पेशली बनाकर खाया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए रियाज़ किचन एंड ब्लॉग्स को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। सबसे पहले हरी मिर्च के डंठल उतारेंगे और गाजर और मूली को पील कर लेंगे और इसे धो लेंगे तीनों चीज़ों को और कपड़े से सुखा लेंगे। इसके बाद हमें इन्हें पतला पतला काट लेना है तीनों चीज़ों को। बस इसी तरह से हमें गाजर और मूली को काट लेना है और हरी मिर्च को बीच में से दो पीस कर लेंगे इसके। अब सब चीज़ें कट चुकी हैं, अब इसे हम 6 से 7 घंटे धूप में अच्छे से सुखा लेंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर हो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब एक कढ़ाई में हम लेंगे सरसों का तेल, 2 टेबलस्पून लिया है यहाँ पर, जिसे मैंने अच्छे से मतलब गर्म कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसे ठंडा करके हमें यूज़ करना है। अब एक ग्राइंडर में लेंगे हम 2 चम्मच सरसों और 2 ही चम्मच सौंफ और इसे हमें दरदरा पीस लेना है। अभी चीज़ें सूख चुकी हैं, अब हम इसमें डाल देंगे सरसों और सौंफ जिसे हमने दरदरा पीसा था। इसके साथ ही यहाँ पर ऐड कर देंगे हम हल्दी, लाल मिर्च, नमक और इसके साथ ही ऐड करेंगे जो सरसों का तेल हमने गरम किया था। अब इसे हमने बिल्कुल ठंडा कर लिया है, कच्चा डालने से ही ख़राब हो सकता है, इसलिए हम इसे अच्छे से गरम करके ठंडा करके फिर मिक्स करेंगे। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा इंस्टेंट बनने वाला अचार बिल्कुल तैयार है। तो आपको ये रेसिपी कितनी ईजी लगी होगी और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट और सजेशन देना मत भूलिएगा। आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।